पंडे ने लोगों से कहा कि भाइयों तुम लोग जाओ, जरा दूर हटो, पीछे हटो, हमें यजमान के कान में कुछ मंत्र देना है। हमारे पुरोहित हैं, तो सब ने सोचा हाँ भाई चलो पंडे पंडा कुछ मंत्र देंगे। सब जब साइड हुए तो धीरे से कान में जाकर कहा कि आया हूँ कैलाश से, यजमान आया हूँ कैलाश से, मांग लो कछु मांगन होए। उनको लगा कैलाश से शायद भगवान आए होंगे शमशान में। जैसे धीरे से थोड़ा सा आंख खोला, देखा फिर पंडा, फिर आंख बंद कर लिया उसने। ये तो पंडा पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, अब क्या करूं, आंख बंद रखा। भगवान ने कहा कि यजमान आया हूं कैलाश से, मांग लो जो कुछ मांगन हो। उनको लगा कि शायद हो ना हो इसी रूप में आए हो, लेकिन सवाल है कि पहले वो रुपया छूट जाए, उससे पिंड छूट जाए, फिर कोई नॉर्मल स्थिति नॉर्मल हो जाए। यजमान आया हूँ कैलाश से, मांग लो जो कुछ मांगन होए। उसने धीरे से कहा कि यदि देन को कुछ चाहिए तो रुपया दीजिए छोड़, बस वही रुपया, एक रुपया छोड़ दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। महादेव ने कहा कि धन्य हो गया, ऐसा यजमान नहीं देखा आज तक। तो शिव जी तो प्रसन्न हो गए, दर्शन दिए। लक्ष्मी भगवान की है, लक्ष्मी के बड़े भाई रुक्मी जो राजनीतिक लाभ के लिए भगवान के पास जाना से मना कर रहे थे, परिणाम क्या हुआ, परिणाम उसकी दुर्गति हुई, अपमान हुआ, राज्य छूट गया। और भगवान से जो द्वेष करने वाले थे उनका संग कर लिया। भगवान द्वारिका में विराजते हैं, और यही द्वारिका में एक है सत्राजीत, छोटे से राजा है, उपराज्य के राजा। सत्राजीत भगवान सूर्य के भक्त हैं, और भगवान सूर्य की कृपा से सत्राजीत को एक मणि मिली है, उस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। एक व्यक्ति हमको बता रहे थे कि काफी शोध करने के बाद यह निर्णय हुआ है कि लगता है जो स्यमंतक मणि था वही संप्रति जो ब्रिटेन में है वो क्या है, कोहिनूर, यही वो स्यमंतक मणि है। जो प्रताप पहले था आज वो प्रताप नहीं है उसका, पहले इतना प्रताप था कि कोई उसको पहने तो अंधेरे में भी प्रकाश होता था, ऐसा लगता था कि द्वितीय इव भास्कर, कोई सूर्य आ गया, इतना प्रकाश होता था। कलयुग में हर रत्नों का की महिमा कम हो गई है, जो इतने रत्न थे मणि मंत्र और औषधियां पहले बहुत प्रभावी थे, एक बार कोई मंत्र पढ़े तो उसका प्रभाव होता था, जड़ में चेतनता आती थी, जल की धाराओं को रोक दे, अग्नि की के वेग को रोक दे, हवा के उत्पात को रोक दे, वर्षा को रोक दे, वर्षा करा दे, मंत्रों में इतनी शक्ति। आज इन मंत्रों के सही सही ज्ञाता नहीं होंगे, और हमारी जो अंतःकरण की शुद्धि है, हमारी वृत्तियों में वो शक्ति अब नहीं रह गई, इस वजह से हमारे मंत्रों में इतना चमत्कार नहीं रहता है। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र की कल्पना सब मंत्र से, और उस समय में पहले की बात थी,
औषधि में बड़ी शक्ति थी। ऐसी ऐसी औषधि थी जो गर्दन कटने के बाद वापस यदि गर्दन लगा दे तो वो जीवित हो जाए। इतना विज्ञान पहले आगे था, अब वो उन औषधियों के ज्ञाता नहीं रह गए। मणि माणिक्य में वो शक्ति थी, अब वो शक्ति नहीं रह गई। कली के प्रभाव से, दोष के प्रभाव से, स्वच्छंदता के प्रभाव से आज मणि मंत्र औषधियों में शक्ति का ह्रास देखा जा सकता है। ये नदियां जो बह रही है ना, पहले कितनी बहती थी नदियां, आज नदियों में ह्रास देखा जा सकता है। आज यमुना जी पता नहीं लगता है, यमुना जी जाइए वृंदावन, सूख गई है यमुना जी। आज सरस्वती नदी इधर नहीं है, गंगा जी की दशा आप देख ही रहे हैं, हरिद्वार तक ही गंगा का सुख है वास्तविक में, इसके बाद तो गंगा में सब मिक्स हो गया है, सब मिलावट है। और सब का मतलब आप समझते हैं, और वो भी जो सतत प्रवाह है वो नहीं है। सरकार भी थोड़ा थोड़ा जल छोड़ती है कि एक साथ छोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो फिर कहां से लाएंगे, इसलिए स्टोर करना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ता है पानी को। हर नदियों में रास, परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हो रहा है कि भूमि के जो सतह का जो जल है वो जल बहुत नीचे चला जा रहा है, कहीं कहीं 800 फीट 800 फीट 900 फीट नीचे पानी है, और वो भी बोरिंग फेल हो जा रहा है। किसान 15-15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और फिर भी पानी कहीं कहीं सूख जा रहा है, तो जल का बड़ा अभाव हो रहा है सब जगह। वर्षा जितनी होनी चाहिए अब उतनी वर्षा नहीं होती है, ये कली का प्रभाव दिखने लगा है। देवी भागवत में आया है जब कलयुग मात्र 10,000 वर्ष कलयुग का समय रह जाएगा तो धरा से गंगा नहीं रहेगी, सारी नदियां सूख जाएगी, गंगा चली जाएगी, यमुना सरस्वती सब। और इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा भी नहीं रहेगा, शंख नहीं रहेगा, जो भगवान के जितने भी आयुध आदि चिन्ह हैं इन सारे चिन्ह समाप्त, भगवतीय निशान, भगवान के जो जो चिन्ह हैं भगवत स्मृति दिलाने वाले वो सब समाप्त हो जाएंगे। जो पर्वत हिमालय कुछ अवशेष है ना, ये हिमालय भी सब बिल्डिंगों से पट जाने वाली है, बिल्डिंग बन जाएंगी सब जगह पर, वो कहीं भी प्राकृत छटा नजारा नहीं रह जाएगा। सौभाग्य है हम लोगों का जो वर्तमान समय में हम सब भगवान के होने का अनुभव कर सकते हैं, उनकी शक्ति का एहसास कर सकते हैं, और इतना ही नहीं भगवान की भक्ति कर सकते हैं। पहले जब भगवान का वैभव विस्तृत था तब भगवान की भक्ति करने में बहुत बाधाएं थी, जैसे हम लोग अभी सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ आ जाते एक साथ, और सब कोई माताएं बहनें अकेले घर से आ गई, पहले बहुत बाउंडेशन था, लोग घर से निकल नहीं पाते थे। पहले तीर्थ करना कितना मुश्किल था मालूम है, गांव में कोई एक व्यक्ति दो आदमी तीर्थ के लिए निकले ना तो पहले जाते समय वो भंडारा करता था, गांव भर के लोग आते और भंडारा प्रसाद पा करके उनको शुभकामना देते और उनको ऐसी विदाई करते जैसे लोगों के हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हो। और जब वो चारों धाम तीर्थ करके सकुशल यदि वापस आ जाए तो एक भंडारा फिर से होता था, फिर गांव वाले सब आते, उसके चरण पकड़ते, उससे प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेते, वो कहते हमने आपने तीर्थ किया, हमने आपके चरण छुए तो हमें तीर्थों का पुण्य मिल गया।
आज भी ये परंपरा है, ये परंपरा तो है। जब आप तीर्थों से आते हैं और जो कोई आपका दर्शन करता है, श्रद्धा से आपका अभिनंदन करता है, उसको पुण्य मिलता है, पावन होकर के आते हैं। वहां द्वारिका में सत्राजीत है। सत्राजीत मणि को पहन करके एक दिन भगवान के सुधर्मा नामक सभा में प्रवेश किए तो चमक गए, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। जब भगवान से वार्तालाप करने के बाद वापस लौट रहे थे तो अक्रूर ने, शतधन्वा ने और उद्धव जी ने आकर के उनसे कहा कि भाई ये जो मणि है ना तुम्हारे पास, इसकी क्या विशेषता है? बोले विशेषता यह है कि इसको पहनने के बाद सौंदर्य 8 गुना खिल जाता है। 8 भार सोना इससे प्रतिदिन निकलता है और बाकी इसका सौंदर्य तो आप जानते हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम्हें आप ये इस मणि का क्या करेंगे, इसे आप राजकीय खजाने में द्वारिकाधीश को प्रदान कर दीजिए। उसने कहा ऐसे कैसे दे दूं, ये कोई देने लेने वाली चीज तो है नहीं, ये तो हमने तपस्या करके भगवान सूर्य से प्राप्त किया है, इसलिए नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, वह लौट करके चला गया। लौट करके जब गया तो वहां एक दिन सत्राजीत के छोटे भाई ने कहा भैया आप रोज इस मणि को पहनते हो, एक दिन मैं पहन लूं, देखो कैसा लगता है। हाँ भाई पहन ले, तुम्हारा नानो भाई छे तो मैं पहन लो। तो उसने पहन लिया, माला पहन करके मणि को पहन करके घूमने निकल गया और घूमते घूमते चला गया जंगल में, जहाँ एक हिंसक सिंह ने उस पर प्रहार किया और उसको मार दिया, उसकी हत्या हो गई। मणि लेकर सिंह आगे निकला, रास्ते में जामवंत जी आ रहे थे, उसने देखा कि सिंह के मुख में मणि है। सिंह को मार करके मणि को जामवंत जी लिए अपनी गुफा में चले गए और गुफा में अपनी पुत्री जामवंती को दे दिए। अब पूरा गुफा में प्रकाश हो गया, बड़ा अच्छा लगा जामवंती को। एक दिन, हाँ इधर 2-3 दिन बीतने के बाद सत्राजीत चिंतित हो गए कि मेरा भाई कहाँ है। सैनिकों से खोज किया लेकिन पता नहीं लगा। तब सत्राजीत को चिंता हो गई, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता, उनको संदेह था कि हम द्वारिका गए थे, वहां यादवों ने हमसे मांगा था लेकिन हमने दिया नहीं। ऐसा लगता है कि द्वारिकाधीश ने हमारे भाई को मरवा कर हमारी मणि चुरा ली है, लेकिन किसी से कहे तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उल्टा सत्राजीत को सब डांटेंगे, गालियां देंगे। डर के मारे किसी से कहता नहीं लेकिन भीतर भीतर रोता था। पत्नी तो पत्नी है, पूछ लिया क्या बात है। उसने धीरे से कहा पत्नी से कि तुम किसी से कहना मत, हमें शक है कि द्वारिकाधीश ने हमारी मणि चुराई है, हमारे भाई को मरवाया है। ठीक है, को मैं किसी से कहूंगी नहीं, वचन तो दिया लेकिन पूरा नहीं किया। उसने अपनी सहेली को कहा, उसने अपनी सहेली को कहा और ऐसे कहते कहते केवल महिला मंडल में बात फैल गई। और उन्हीं महिलाओं में से एक महिला थी रुक्मिणी, उसकी सहेली ने उससे कह दिया कि आज तो ये चर्चा बहुत जोरों पे है। तो रुक्मिणी ने भगवान से कहा कि प्रभु आजकल आपकी चर्चा बहुत हो रही है समाज में। कहा हाँ हाँ, मैं द्वारिकाधीश हूँ, द्वारिका का राजा हूँ, तो चर्चा होती होगी। बोले नहीं, ऐसी वैसी चर्चा नहीं, कुछ स्पेशल खास चर्चा। क्या खास है? आपकी पहले तो आप छोटी छोटी चोरी करते थे यशोदा मैया के यहाँ, अब आप बड़ी बड़ी चोरियां करने लगे। भगवान बोले ना, मैंने कोई चोरी नहीं की यहाँ,
ये तो मेरा बचपन ही रहा वहाँ, छूट गए। हाँ जी, चोर अपने को चोर तो कहता नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि सत्राजीत की मणि की आपने चोरी की है, ऐसा प्रचार है। भगवान ने कहा कि नहीं, विश्वास करिए, मैंने चोरी नहीं की। बोले इसके लिए कोई विश्वास तो करेगा नहीं, ना कोई आपसे कहेगा, आपको ही इसका प्रमाण देना पड़ेगा, आप उसके मणि की खोज करवाइए। ठीक है, उद्धव को, अक्रूर को, सद्धन्वा को और कुछ सैनिकों को साथ में लेकर भगवान मणि की खोज करवाए। खोज करते 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 पहुंच गए वहां उस गुफा में जहां जाम्बवंती मणि से खेल रही थी। उद्धव आदि को भगवान ने बाहर में रख दिया और खुद अंदर प्रवेश किए। वहां जाम्बवंती, जाम्बवंत की पुत्री मणि से खेलती। भगवान ने कहा कि दे दो मुझे, बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं दी। आखिर में जाम्बवंत जी आए, उनसे युद्ध हुआ, युद्ध में भगवान की विजय हुए। प्रतीक्ष द्वादशाह ने दुखिता स्वपुरम ययो हो, जो बाहर में उद्धव आदि प्रतीक्षा कर रहे थे, 12 दिन तक प्रतीक्षा किए। भगवान ने तो कहा कि 1 सप्ताह अठवाड़ा हमारी प्रतीक्षा करना, और यदि हम नहीं आए तो तुम सब समझ लेना कि अब हम दुनिया में नहीं रहे। तो उद्धव आदि 12 दिन तक प्रतीक्षा किए, फिर भी प्रभु नहीं आए, तो लौट कर सब निराश होकर द्वारिका चले गए और जाकर के वसुदेव देवकी से कहा कि प्रभु अब नहीं रहे। माता देवकी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि माँ है ना, पता नहीं, उनको एक अंतर ज्ञान होता है, एक अंतर दृष्टि होती है जो जान जाती है। उनको विश्वास नहीं था, लेकिन इतना था कि मेरा पुत्र कहीं संकट में है, इसलिए देवी की माता ने संकट को टालने के लिए माता दुर्गा, दुर्गति नाशनी दुर्गा की शरण में नवरात्रि का अनुष्ठान किया। और 22वें दिन, 12वें दिन तो गए थे, 22वें दिन भगवान को विजय मिली। आखिरकार जाम्बवंत जी ढीले पड़े, उनको एहसास हुआ कि ये कोई दिव्य शक्ति है, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान ने अपना वह पूर्व जन्म वाला रूप दिखाया, श्री राम अवतार का। श्री राम का स्वरूप देख करके जो जाम्बवंती थी वो मोहित हो गई। उसने कहा, प्रभु मैं तो तब से प्रतीक्षा कर रही हूँ कि आप आएंगे। रामावतार में जाम्बवंती भगवान से परिणय करना चाहती थी, विवाह करना चाहती थी। भगवान ने तब यह कहकर टाल दिया था कि इस बार तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला में हैं, अगले अवतार में हम आपको स्वीकार करेंगे, तब तक प्रतीक्षा करिए। जाम्बवंती तब से प्रतीक्षा कर रही थी। जाम्बवंत जी ने भगवान के साथ उनका हाथ में हाथ रखा और दक्षिणा में मणि दे दिया। जाम्बवंत जी कृतकृत्य हो गया, निहाल थे गया। भगवान द्वारिका लेकर आए। अब रास्ते में जो घटना घटी, भगवान ने सोचा कि ये क्या, जाम्बवंत जी कौन है मालूम है ना, जाम्बवंत जी कौन छे, जाम्बवंत जी भालू है ना, और भालू की बेटी कैसी होगी, रिची होना है, भालू ही होना है। तो भगवान ने सोचा क्या मैं भालू को लेके जा रहा हूं द्वारिका, यहां तो फिर सब बच्चे इसके पीछे पड़ जाएंगे, इसके ऊपर बैठ करके टिक 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 करेंगे, लोगों को पता लगे कि हमारी वाली है, तब तो हमें लोग मदारी समझेंगे। सो भगवान को बड़ा संकोच लगा। दिन भर जंगल में रहे, शाम के समय अंधेरे में प्रवेश किया महल में, तो द्वारिका का मुख्य फाटक जो था उसके बाहर बगल में कोई कमरा रहा होगा, भगवान ने वहां उसको रखा। भीतर गए, अंदर देखा भगवान को तो सब प्रसन्न हुए, दान किया, सबसे मिले, भंडारा हुआ, सब करने के बाद सबसे
अलग होकर भगवान जब रुक्मिणी के महल में गए और वहां 56 प्रकार के व्यंजन भगवान के पास रखे, तो भगवान को याद आए जाम्बवंती का कि प्रथम विवाह करके आई है, उसका क्या होगा। रुक्मिणी बाई समझ गई क्या बात है, पूछने लगी, नहीं बताए, पूछते पूछते समझ गई लगता है कोई नया विवाह किए। भगवान मुस्कुराए, कहाँ है बताइए, आरती की थाली सजाई रुक्मिणी चलिए बाहर। जब सब महल से निकल के बोले कहाँ है, बोले आओ, एकदम मेन गेट के पास लाए, बोले यहाँ रखा है। विवाह करने में शर्म नहीं आती लेकिन साथ घुमाने में शर्म आती है, ऐसे बहुतों को हमने देखा है, साथ में बैठने में शर्म आती है लेकिन विवाह करने में शर्म उसको नहीं आई। यहां लाया तो साथ में रखना चाहिए। दरवाजा खटखटाया, देवी खोलो, भगवान ने कह रखा था कि खोलना नहीं, जब तक मैं ना कहूं तब तक नहीं खोलना। अब रुक्मिणी बाई कहे कि खोलो खोलो, मैं द्वारिका की पटरानी पट्ट महिषी तुम्हारी बड़ी बहन लगूंगी, मेरा नाम रुक्मिणी है, दरवाजा खोल दो। नहीं खोलो। रुक्मिणी पूछती है कि प्रभु कैसी है, भगवान ने कहा बहुत अच्छी है। बोले अच्छी मतलब कितनी अच्छी, बोले बहुत अच्छी। तो क्या हमसे भी ज्यादा अच्छी है, बोले और नहीं तो क्या। तो रुक्मिणी को थोड़ी अटपटा सा लगा कि हमसे भी अच्छी है, बोले कोई बात नहीं बहन, अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है, दोनों मिलजुल कर रहेंगे, दरवाजा तो खोल दो, हम तुम्हारी आरती के लिए थाली सजा कर लाए। तब भी नहीं खोला, तब रुक्मिणी को गुस्सा आ गया। गुस्सा आता है, लगता है इसे अपने रूप का घमंड हो गया है, इतना गुस्सा आया कि तिलमिला गई, बोलने लगी ताई चाहे तो जितनी भी सुंदरी हो, चाहे जैसी भी हो, मेरे ऐसी हो जाओ। जब ऐसा कहा तब भगवान ने कहा दरवाजा खोल दो, उसने दरवाजा खोल दिया, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हो गई वो, तो जाम्बवंती बिल्कुल रुक्मिणी जैसी है हूबहू। शील स्वभाव तो अच्छा था ही, बहुत लंबी आयु की थी लेकिन रुक्मिणी भगवती की कृपा से आज वो एकदम रुक्मिणी ऐसी युवती बन गई। भगवान का इसके बाद सत्राजित को उसका मणि वापस जाकर दिया। सत्राजित अब पछताने लगा कि हमने बड़ा अपराध किया है। यादवों को खबर पड़ी तो यादव लोग उनको रोज गालियां सुनावे कि तुम द्वारिकाधीश पर लांछन लगाते हो। बेचारे रोज रोए, भगवान से आकर कहा कि हमें ये मणि नहीं चाहिए, आप ले लीजिए। भगवान ने कहा ना बाबा, लिया नहीं तब तो कलंक लगा दिया और लेता तब क्या होता, मैं नहीं लेने वाला। बोले नहीं तो एक काम करिए, आप हमारी कन्या ले लीजिए, कम से कम हमारा आपका रिश्ता बन जाएगा तो लोग हमें गाली तो नहीं देंगे। उनकी मजबूरी को देखकर भगवान रीझ गए और उनकी पुत्री सत्यभामा के साथ भगवान का तीसरा लग्न हुआ। आगे लक्ष्य का भेदन करके भगवान ने लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। बिंद उपबिंद दो भाई थे जो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे लेकिन उसकी बहन स्वयं भगवान को वरण करना चाहती थी। संदेश भगवान के पास गया, तब भगवान ने युद्ध में दोनों भाइयों को जीत करके मित्र वृंदा के साथ विवाह किया। भद्रा के साथ भगवान ने बैलों को नाथ करके विवाह किया जीत करके, और फिर सत्या के साथ विवाह किया, और एक विवाह कालिंदी के साथ। इस प्रकार भगवान का अष्ट विवाह होता है। भगवान की 8 पटरानियां हैं। अभी सत्यभामा के पिता का नाम है सत्राजीत, जिसका एक मित्र है उसका नाम है भौमासुर। भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर भौमासुर के पास यहाँ जाते हैं। पता लगा है कि भौमासुर ने हजारों कन्याओं को अपने कारागृह में बंद कर रखा है।
तो क्या करना चाहिए? उसे मुक्त करना चाहिए। सत्यभामा के साथ बैठकर गए। वहां द्वार पर पहले ही एक मूर नामक राक्षस रहता था, जो उस नगर की रक्षा करता था। उसके साथ भगवान का युद्ध हुआ। भगवान ने मूर नामक दैत्य को मार करके भगवान का एक नाम पड़ गया, मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, मुरारी नाम पड़ा। और मुरारी के मरने के बाद उसकी पुत्री थी, उसका नाम था मौरवी। मौरवी बहुत शक्तिशालिनी थी और बड़ी विदुषी महिला। उसको शास्त्र का पूरा ज्ञान, वेद का पूरा ज्ञान, हर ऋचाएं उसकी जिभ्या पर। मौरवी आ गई सामने युद्ध करने के लिए द्वारिकाधीश से, शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण। भगवान समझ गए मौरवी का संकल्प है। पता है क्या? जो इसे शस्त्र और शास्त्र दोनों में परास्त करेगा, मौरवी उसी को वरण करेगी, उसी के साथ उसका विवाह होगा, ऐसा संकल्प था। भगवान ने सोचा मुझे तो इनसे विवाह करना नहीं है, तो मैं इनको क्यों परास्त करूं। भगवान सकुचाते थे लड़ने से, लेकिन फिर भी उसने प्रहार किया है, मेरे पिता को तुमने मारा है, इसलिए भगवान बदला में शस्त्र चलता रहता। आखिर में उसने शक्ति का प्रहार करना चाहा, तो शक्ति तो जगदम्बा भवानी छे। जो ही अपने बाण पर अनुसंधान किया है शक्ति का, भगवती जगदम्बा माता पार्वती प्रकट हो गई। बोले कि मौरवी ऐसा मत करना, ये तो साक्षात श्री कृष्ण गोविंद है, तुम ऐसा मत करो। मेरी क्षमता नहीं है मैं इनको कुछ थोड़ा भी कुछ कर सकूं, तुम तो इनकी शरण में आ जाओ। वो बोली कि मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? बोले सब ठीक हो जाएगा। भगवान से क्षमा याचना की। मौरवी भगवान के साथ जाना चाहती थी। भगवान ने कहा कि नहीं, ठहरो, हमने तुम्हारे लिए एक वर ढूंढ लिया है। भगवान जब लौट कर गए थे तो भीम का पुत्र था, नाम था घटोत्कच। घटोत्कच को मौरवी के पास भेजा था और घटोत्कच में शस्त्र में भी प्रवीण होकर के मौरवी को हराया था और शास्त्रार्थ में भी मौरवी को हराया था। एक प्रश्न में ऐसा उलझाया घटोत्कच ने कि मौरवी हार मान गई थी। आखिर में मौरवी के साथ घटोत्कच का सुंदर विवाह हुआ और उनका एक पुत्र हुआ, नाम था बरवरीक, जो भगवान कृष्ण से विद्या सीखा, उनको गुरु मानते थे। पूरी विद्या सीखने के बाद जब पता लगा कि महाभारत होने जा रहा है, तो बरवरीक अपना बाण लेकर के, कमान लेकर के, रथ सजा कर चल दिए। रास्ते में भगवान से मुलाकात हुई, भगवान को वंदन किया, पूछा किधर जा रहे हो? महाभारत युद्ध देखने जा रहे हैं, तुम लड़ोगे? बोले हाँ लड़ूंगा। किधर लड़ोगे? बोले जिसकी हार होगी उसकी तरफ लड़ूंगा। अच्छा, तुम कैसे फिर उसकी जीत कराओ? बोले हाँ, मैं चाहूं तो सिर्फ दो बाण में पूरा महाभारत समाप्त कर सकता हूं। कैसे? बोले एक बाण से मैं पूरे सैनिकों का वध कर दूं, एक बाण से सारे महारथियों का वध कर दूं, वापस ये बाण मेरे तुनीर में आ जाएंगे। कैसे करोगे दिखाओ? बोले वृक्ष में जितने पत्ते मैं इसको एक बाण में छेद सकता हूँ। बाण चलाया संधान करके, एक पत्ता प्रभु ने तोड़े ने पैर के नीचे रख दिया। वो बाण सारे पत्तों का छेदन भेदन करता हुआ भगवान के चरणों में आ गया। उसने कहा लगता है आपके पैर के नीचे कोई पत्ता उड़ के आ गया होगा, आप पैर हटाइए वरना आपके पैर में छेद कर देगा। भगवान जूते पहन रखे थे लेकिन भगवान के पैरों में दाग लग गया। भगवान ने देखा कि अद्भुत है,
भगवान ने उनसे कहा भाई तो गुरु दक्षिणा नहीं देगा? बोले आप बोलिए जो देता हूँ, विद्या तो हमने आपकी देख ली पूरी है, गुरु दक्षिणा दो। क्या दो? बोले तो मुझे अपना शीश दे दो। उसने कहा मुझे शीश दे सकता हूँ गुरुदेव, शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्तो जान। गुरु कृपा मिले शीश दे करके भी समझना सस्ते का सौदा है, ठीक है, लेकिन मुझे महाभारत देखना है। कहा कि देख लोगे? हंसता हंसता अपने ही हाथों गर्दन उतार करके लीजिए प्रभु। भगवान ने उसे स्थापित किया उच्च पहाड़ पर और ये आशीर्वाद दिया, तुमने अपना शीश दिया मतलब अपना सर्वस्व दे दिया। शीश अहंकार का प्रतीक है, जब हम अहंकार को समाप्त कर देते हैं तो हम और भगवान एक हो जाते हैं। जीव पीव से क्यों नहीं मिलता, भक्त भगवान से क्यों नहीं मिल पाता है, आखिर दूरियां दुख द्वंद क्यों है? इसका कारण है हमारा अभिमान, स्वयं के होने का निश्चय करना कि मैं कुछ हूं। जिस दिन यह समाप्त हो जाएगा तब प्रभु में आत्मैक्य भाव जागृत हो जाएगा। शीश का दान करने के बाद भगवान ने कहा कि अब तो हमें तुम में कोई भेद नहीं, जाओ तुम मेरे ही नाम से जाने जाओ, कलयुग में तुम्हारी पूजा खूब हो और जो तुम्हारी पूजा करे उसकी मनोकामना पूर्ण हो। वही राजस्थान की धरती में खाटू में श्री श्याम नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलो खाटू नरेश की। आज भी भारत में कोने कोने में खाटू श्याम जी के भक्त, ऐसे गुरु भक्त शीश के दाने। गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु पाई हो। संतों की सेवा करना, गुरु की भक्ति करना, सब कुछ मिल जाएगा। गुरु की मूर्ति मन माही बसाइए, जोई इच्छा सोई फल पाइए, गुरु नानक साहब कहे छे। बाद में भगवान अंदर गए और फिर भौमासुर से युद्ध हुआ। युद्ध में भौमासुर को मारकर उनके कारागृह से सभी कन्याओं को मुक्त किया। कितने थी मालूम है? 16,100 कन्याएं। देवी भागवत में आया है कि भगवान नरनारायण अवतार में बद्रीनाथ में तप करते हैं ना, धर्म के पुत्र रूप में नरनारायण हुए, बद्री का आश्रम में तप करते थे। इनकी साधना को देखकर इंद्र को चिंता हो गई कहीं हमारा इंद्रासन न ले ले, तो इंद्र ने 16,100 अप्सराएं भेजी, जाओ जाकर के उनकी तपस्या को भंग करो। तो सारी अप्सराएं खूब अपनी कोशिश की, नृत्य करके संगीत करके गान बजान करके, बसंत ने ऋतु परिवर्तन कर दिया, सब कुछ, कामदेव आया, लेकिन दोनों भाइयों में से किसी को हिला नहीं पाए, हार गई। और इंद्र ने कहा था कि बिना जीत के वापस मत आना, तो सब वहीं रह गई। अब तो भगवान का चेहरा देखती हो तो खुद ही सब मोहित हो जाते, नरनारायण का रूप देख करके आई थी मन मोहन करने के लिए, मोहित करने के लिए, खुद मोहित हो गई। अब तो भगवान के लिए फूल तोड़कर लाती, साफ सफाई करती, नाम संकीर्तन करते, सबके अंदर भक्ति जागृत हो गई। सहसा भगवान की आंखें खुली, नरनारायण की, देखा कि सारी ये सब कहाँ से आ गई है, बुलवाया सबको, बुलाओ देवी इधर आओ, सब कोई कहाँ से आया? बोले हम सब अमरावती से आए, इंद्र ने भेजा आपको, आपके तपस्या को भंग करने के लिए, आपको मोहित करने के लिए। फिर बोले फिर क्या, हम सब खुद आपसे मोहित हो गए भगवान, हम सब आपकी बिना मोल की दासी बन गई, हमें अपनी सेवा में रख लीजिए, अपनी भक्ति प्रदान करिए। तो उसमें जो नर थे, नर और नारायण है ना दो,
उसने कहा कि प्रभु ये इंद्र की इतनी हिम्मत, हमें अप्सरा भेज करके हमारे साथ ऐसा करते। तो नारायण प्रभु ने अपने जंगे पर ऐसा हाथ किया तो एक अप्सरा प्रकट हुई, उसका नाम पड़ा उर्वशी। उरु से प्रकट होने से उसका नाम पड़ा उर्वशी, उरु कहते हैं जंघे को। और इतनी सुंदरी है उर्वशी की सारी अप्सराएं लज्जित हो गई उसके सामने। भगवान ने कहा कि देखो अप्सराओं, तुम सब जाओ और ये अप्सरा मेरे तरफ से उर्वशी इंद्र के लिए भेंट ले जाओ, इंद्र की सेवा में जाएगी। और कभी उनसे कहना कि मुझे इंद्रासन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, संतुष्ट रहे। उस सब ने कहा कि प्रभु हम जाना नहीं चाहते हैं, आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। भगवान ने कहा भी नहीं, द्वारिका में हम जब आएंगे 28वें द्वापर के अंत में हमारा कृष्ण अवतार होगा, तब आप सब पधारना। वही सब 16,100 आज कन्याएं बन करके भौमा सुर के कारागृह में बंद थी। भगवान ने सबको बाहर किया, हाथ जोड़ करके सबका अभिनंदन किया और कहा कि आप सब अपने अपने घर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। सबने हाथ जोड़ लिया भगवान से, निराश हो गई, हतोत्साहित हो गई, रोने लगी। भगवान ने कहा कि रोने का कारण, अब तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, क्यों रोती हैं? कहा कि प्रभु हम सब समाज में, जिस समाज में जन्म ली है ना, ये समाज बहुत अच्छा नहीं है। प्रभु आपको, आप तो भगवान हैं, आपको क्या, लेकिन ये समाज बहुत बुरा भी है और बहुत अच्छा भी है। जिस माँ बाप ने, भाई ने, बंधुओं ने, बांधवों ने, चाचा ताओ ने हमारी सेवा की, हमें बड़ा किया, लालन पालन किया, आज यदि हम लौट कर जब घर जाएंगे, वे हमें घर में स्थान नहीं देंगे। वो ये कहेंगे कि तुम तो राक्षस के घर में रह के आई हो। भगवान कहते इसमें तुम्हारा क्या अपराध है, तुमने तो अपने मन से ऐसी कोई गलती नहीं की है। बोले हाँ हमने कोई गलती नहीं की है, परंतु ये वो लोग नहीं मानेंगे ऐसा। भगवान को बड़ा विचित्र लगा कि देखो कैसा समाज है, लोग बेटी बेटा में बहुत फर्क करते हैं। बेटा अपराध कर जाए, गलती कर जाए तो आदमी अपना लेता है, लेकिन बेटी अपराध करे तो अपना नहीं पाते हो। ये कैसा है, ये यही है असहिष्णुता, वास्तव में यही टॉलरेंस है। यहां सहिष्णुता लाइए आप, असहिष्णु नहीं बनना चाहिए और पक्षपात नहीं करना चाहिए, समान रूप से देखिए दोनों को। अंग तो अंग है, बाई अंग हो चाहे दाई अंग हो, जमड़ा बाजू हो चाहे डाभी हो, हाथ तो हाथ है, बाजू तो बाजू है। एक के बिना भी काम चलेगा नहीं चलेगा। तो कन्या तो कन्या है। भगवान को बड़ा अजीब लगा, भगवान ने सोचा कि मैं यदि जबरदस्ती करके सबको सबके घर वापस करूं, हो सकता है मेरे सामने सब रख ले, लेकिन पता नहीं सम्मान देंगे कि नहीं देंगे। उसने कहा कि प्रभु भूल जाइए, हमें तो कोई अब पत्नी के रूप में कोई स्वीकार करेगा ही नहीं, ये समाज हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, और हम पत्नी अब बन भी नहीं सकते। हम आपसे ये भी नहीं कहते, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं रहा कुछ, या तो हम सब आत्महत्या करें या शरीर का व्यापार करें, हमारा संस्कार ऐसा नहीं। हाँ एक प्रार्थना है, हमें आप अपनी द्वारिका में स्थान दीजिए, हम द्वारिका में झाड़ू बहाड़ू करेंगे, बगीचे की सेवा करेंगे, कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन यदा कदा हो जाएंगे। कहा कि भगवान को बड़ा विचित्र लगा, भावुक हो गए, कहा नहीं देवियों, इस सृष्टि में हर स्त्री को पत्नी बनने का अधिकार है, धर्म पत्नी बनने का अधिकार है, माँ बनने का अधिकार है, इसके बिना स्त्री तो अधूरी है। हम
आपको द्वारिका में दासी नहीं बनाएंगे, हम आपको द्वारिका की पटरानी बना देंगे, आपको वो सम्मान देंगे जो किसी ने आपको सम्मान नहीं दिया। ये है हमारे भगवान, इनका स्वभाव देखो। जो लोग कहते हैं कि प्रभु शौक में 16,100 पटरानियां रखते, वो जरा याद करना, भगवान का एक भी विवाह क्या उनकी इच्छा से हुआ है? सब तो करुणा के कारण, स्वभाव के कारण, दया के कारण सारा विवाह ऐसा हुआ है। ऐसा कौन व्यक्ति है किसी के पास एक के बाद यदि दूसरी कोई पत्नी आती है तो उसको दासी बना लेता है? लेकिन ये तो हमारा गोविंद है जो दासी किसी को नहीं बनने दिया, सबको वहां की महारानी बना करके रखा, सबको उचित सम्मान दिया। समाज की ये जो विसंगतियां है, ये विसंगतियां दूर होनी चाहिए। मैं परमात्मा से ऐसी कामना करता हूं कि धीरे धीरे ये कम तो हो रही है, एक दिन ये मिट जाए। समाज से सम्मान मिलना चाहिए। भगवान द्वारिका में अनेक प्रकार की लीला करते हैं, सबको सुख देते हैं। एक भक्त है, शिव जी का भक्त, नाम है बाणासुर। बाणासुर की पुत्री जिसका नाम है उषा, उषा ने एक दिन स्वप्न में देखा, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम हुआ प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध। तो उषा ने एक दिन अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा और स्वप्न में ही उसके साथ विवाह भी हो गया। तो बाद में जगी तो अपनी चित्रकला नामक सहेली से उसने कहा, चित्रकला बाणासुर के मंत्री कुंभांड की पुत्री है, कहा बहन मैंने ऐसा ऐसा देखा है और स्वप्न में विवाह हो गया है। तो उसने चित्र बनाई, पृथ्वी पे जितने राजकुमार थे उसमें बड़े बड़े राजा प्रतापी सबके बनाए, भगवान श्री कृष्ण का जब बनाई है तो कहने लगे कि हाँ इससे मिलता जुलता, प्रद्युम्न का बनाई और जब अनिरुद्ध का बनाई बोले तो हूबहू यही है, मुझे ये चाहिए। वो मायावी थी, माया विद्या जानती थी, चित्रकला गई रातों रात अनिरुद्ध को बिस्तर सहित उठा करके चित्रकला उषा के कक्ष में ले आई और वहां उसका गंधर्व विधि से विवाह भी करा दिया। अब अनिरुद्ध वहीं रहने लगा। कुछ दिन के बाद एक दिन बाणासुर का मंत्री कुंभांड घर में आता है और उषा के कक्ष में एक पुरुष को बैठे देख करके उसको संदेह होता है। उसने जाकर बाणासुर से शिकायत की, बाणासुर को क्रोध आया, लेकिन जब आकर के देखा तो सचमुच में अनिरुद्ध गिरफ्तार करवा करके बंद कर दिया कैद खाने में। और बाद में जब भगवान श्री कृष्ण को पता लगा तो चतुरंगणी सेना को सजाकर प्रभु आए, बड़ा विशाल युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान शिव भी भाग लिए, बाणासुर के पक्ष से भगवान शिव युद्ध करते हैं। भगवान शिव ने सबको मोहित किया, सबको माहेश्वर ज्वर दिया। इस ज्वर के प्रताप से सब कांपने लगे बुखार से, श्री कृष्ण के जितने सैनिक थे। इस बुखार को भगवान कृष्ण ने अपने बाणों से टाला और बाद में शिव जी को ही मोहित कर दिया भगवान श्री कृष्ण। शिव जी को आई निद्रा, जृम्भणास्त्र का प्रयोग किया भगवान श्री कृष्ण ने, तो जृम्भणास्त्र से सबको नींद आने लगी। और यहां तक शिव जी को नींद जब आई तो वहीं पर शिव जी लेट गए और तब भगवान श्री कृष्ण बाणासुर से लड़ने लगे, बाणासुर की भुजाओं को काटने लगे। 1,000 भुजाएं थी। किसी ने आकर के महादेव को जगाया, अनर्थ हो गया प्रभु चलिए। शिव जी जब आए तब तक भगवान ने उसके सारी भुजा को काट, मात्र
दो भुजा अभी बाकी थी। इशारा किया, रोक दिया। बाणासुर से कहा तो माफी मांग ले। बाणासुर ने माफी मांगी, फिर से बरात सज धज कर आई। उषा का अनिरुद्ध के साथ फिर से विवाह हुआ। कितना बार हुआ विवाह? कितना बार हुआ? तीन बार। एक ही पुरुष के साथ उसी उषा का तीन बार विवाह हुआ। मैं तो समझता था कि भारत में ऐसा प्रथम होगा। यहाँ से पहले एक तबालची अपने पास में आए थे, सोनू नाम था उसका। उसने कहा गुरुजी हमारा भी तीन बार विवाह हुआ है और एक ही कन्या के साथ में। ये तो दूसरा मिल गया मुझे, अभी वो आया नहीं यहाँ। तो इस प्रकार उषा का अनिरुद्ध के साथ में विवाह होता है। वृंदावन में, द्वारिका में भगवान की बड़ी अद्भुत अद्भुत लीला, गृहस्थ आश्रम की लीला, जो नारद जी देखना चाहते थे कि भगवान ने हमें गृहस्थ आश्रम में नहीं आने दिया, भगवान खुद गृहस्थ बने तो देखें हम भगवान का क्या नियम है, क्या निष्ठा है। तो यह देखने के लिए आए तो क्या देखा कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न करने आत्मानं तमसपरम। प्रभात में ही ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, और जग करके वारिपस्पृश्य आचमन करके शुद्ध होकर के भगवान प्रसन्नता से युक्त होकर के ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं। नारद जी को लगा कि भगवान किसका ध्यान करते हैं। एकम स्वयं ज्योतिर अनन्यम अव्ययम् स्वसंस्थया नित्य निरस्त कल्मषम् ब्रह्माख्यम्। एक स्वयं ज्योति प्रभु अनंत भगवान अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, भगवान भी अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। वैसे एक बार अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि आप किसका ध्यान करते हैं। भगवान ने कहा हम तो अपने भक्तों का ध्यान करते हैं, हम भक्तन के भक्त हमारे। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त में भक्त मेरा ध्यान करते हैं, हम उन भक्तों का ध्यान करते हैं। कि कौन कौन भक्त हमारा ध्यान करे रहा जी। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में सब लाइन क्लियर होती है, मालूम है ना आपको। एक आदमी गए टेलीफोन बूथ पर, पहले आपने देखा होगा कि वो बूथ पर टेलीफोन होता था, वो ऐसा वाला सिक्का डालो लाइन लगता था ऐसा। तो शाम के समय काफी प्रयास किया लेकिन नंबर उसका लगता ही नहीं था। बार बार उधर से आवाज आए, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। ये शब्द तो अब सुनने को ही नहीं मिलता, पहले ये शब्द सुनने को मिलता थे, है ना। दिस रूट इज बिजी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त। बारंबार ये किया तो जो टेलीफोन बूथ वाला था उसने कहा कि भाई अभी बेकार परिश्रम कर रहे हो, नहीं लगने वाला, सवेरे में आना। उसने कहा कि सवेरे में तो उनको 7 बजे वो कहीं चले जाएंगे, हम उनको जरूरी बात करनी। बोले तो आप 5 बजे आ जाना, 4 बजे आ जाना। बोले दुकान? बोले हमारी दुकान खुल जाएगी, तुम आ जाओ। बोले सवेरे अभी नहीं लग रहा, सवेरे लग जाएगा? बोले हाँ, सुबह की लाइन बिल्कुल क्लियर रहती है। वो व्यक्ति सवेरे आया और एक बार रिंग किया और लाइन क्लियर हो गई, बात हो गई उससे।
क्या मतलब हुआ? सुबह सुबह सबकी लाइन क्लियर रहती है। दिन भर प्रार्थना करते हैं, हमारा भी मन बटा होता है, लेकिन सवेरे यदि हम प्रार्थना करते हैं तो लाइन क्लियर रहती है, वो सीधे भगवान के धाम तक पहुंचती है हमारी प्रार्थना। इसलिए सवेरे में प्रार्थना जरूर करें, सवेरे में ध्यान जरूर करें। पहले ब्रह्म मुहूर्त में तो जगिए। अरे ब्रह्म का मुहूर्त नहीं जाना तो ब्रह्म को कैसे जानोगे भाई? ब्रह्म को जानना हो तो पहले ब्रह्म मुहूर्त को जानो। ब्रह्म वेला में जागी जाए। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हम तो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। कितने बजे? वही 3:30-4 बजे जग जाते हैं। कैसे? बोले नींद ही नहीं लगती उसके बाद। तो जग के क्या करते हैं? बोले करना क्या है, चाय खोजते किधर है, चाय, दूध किधर है, केटली किधर है। तो कुछ लोग इसी के लिए जग जाते हैं। जग के आपने किया क्या ये भी ध्यान करना। समय का सदुपयोग करना। नारद जी भगवान के गृहस्थ आश्रम को देखने आए। भगवान नारद जी जब आए तो साथ में एक पारिजात का पुष्प लेकर आए स्वर्ग से, और ला करके रुक्मिणी जी को दे दिया। रुक्मिणी जी ने बड़े प्यार से ले लिया। नारद जी लाए, संत लाए, और ला करके प्रभु को दिखाए। प्रभु ने उस फूल को रुक्मिणी के बाल में लगा दिया, जुड़े में लगा दिया। बड़ी अच्छी लग रही थी। और मिलने के बाद नारद जी सत्यभामा के महल में गए। सत्यभामा में नारद जी का बड़ा सत्कार किया, और नारद जी महाराज कुछ लाए आप स्वर्ग से? बोले लाया तो था लेकिन रुक्मिणी बाई ने ले लिया। क्या लाए थे? बोले लाए थे पारिजात का पुष्प लाए थे। अच्छा कैसी होती है, इसकी क्या महिमा है? बोले पारिजात की महिमा बहुत है, ये कभी मुरझाता नहीं है पारिजात पुष्प, और बहुत सुगंध है इसमें। अच्छा तो भगवान ने किसको दिया? बोले भगवान ने रुक्मिणी के माथे में लगा दिया। तो उसको लगा कि भगवान रुक्मिणी को ज्यादा क्यों मानते हैं। बोले नहीं बाबा मुझे चाहिए। बोले बाबा को ज्यादा परेशान मत करो, आपको चाहिए तो आप भगवान से बोलो, वो एक पुष्प किया वो पूरा वृक्ष लाकर दे सकते हैं आपके लिए, तो आपके तो प्रीतम है, प्राण प्रिय है। कहा तो मुझे तो पूरा वृक्ष चाहिए। अब तो उसने जिद कर लिया, ठान लिया मुझे तो पूरा वृक्ष चाहिए, पारिजात की झाड़ मुझे चाहिए। भगवान जब सत्यभामा के भवन में मिलने आए तो सत्यभामा नाराज हो गई, बात ही ना करे। भगवान ने पूछा बात क्या है, कुछ तो कहिए। कहा कि बात क्या करना है, कोई भी पहली वस्तु, कोई एक वस्तु आए सबसे अच्छी तो आप रुक्मिणी को दे देते, और हमको आप कुछ देते नहीं है। भगवान ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहे तो आपके लिए मैं दूंगा। क्या चाहिए? बोले हमको अब एक नहीं पारिजात का पूरा वृक्ष लेना है, हमारे गुरु जी ने कहा है। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है देंगे। भगवान गरुड़ पर बैठाया है सत्यभामा को, बैठा कर ले गए स्वर्ग। स्वर्ग में अमरावती में जब से गए तो इंद्र ने भगवान का बड़ा स्वागत किया, आइए प्रभु अभिनंदन किया, और अभिनंदन करने के पश्चात इंद्र अपना बगीची में इधर उधर सब घुमाने लगा, जैसे आप लोग हमें घुमाते हैं ना भाई, हम लोग जाते हैं तो महाराज ये घर ये बनाया। इंद्र भी अपना पूरा वैभव भगवान को दिखा रहे थे। वो देख रही थी सत्यभामा को, वो किधर है, पारिजात किधर है। तो घूमते 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 जैसे ही पहुंचे पारिजात वृक्ष के पास,
प्रतिदेवान उंगली की, प्रभु कहो ना यही है, यही है, कहो ना। इंद्र ने कहा कि प्रभु ये पारिजात है, स्वर्ग की शोभा बढ़ाता है। सत्यभामा धीरे से कहती, कहो ना कि हमें दे दो। भगवान ने कहा, इंद्रदेव जी ये पारिजात का वृक्ष हमें दे दो। सत्यभामा को बहुत पसंद है, लेकिन ये क्या, इंद्र के साथ में उसकी पत्नी भी आई थी दिखाने के लिए, सची। सची ने धीरे से पकड़ा उसकी कमर, खबरदार हां मत कह देना, हां मत कह देना। अब भगवान की तरफ इधर खींचे, कहो ना दे दे, और इंद्र की उधर खींचे, उसके सची बोले हां मत कह देना। अब बेचारे इंद्र फंसे बुरी तरह से मुसीबत में। इंद्र ने कहा कि प्रभु बात यह है कि ये स्वर्ग की शोभा है, स्वर्ग की संपदा है, तो इसको स्वर्ग में रहने दें। भगवान ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन हमारी सत्यभामा है ना, इनको कभी, इनको बहुत पसंद है, कभी कुछ मांगी नहीं बेचारी, इसलिए इनकी खुशी के लिए दे दो। भीतर से पीछे से वो खींचे कपड़ा, बोले ना हाँ मत कह देना। इंद्र बेचारे आखिरकार, पत्नी यदि मुकर जाए तो कोई व्यक्ति हाँ कर सकता है, आपको लगता है, लगता है आपको? बोलो, हेलो, आप लोग बोलो। वो मना कर देवे कि नहीं देना है, तो क्या आप दे सकते हैं कुछ? सबकी नाम ही है, कोई हाँ नहीं कह रहा, किसी की हिम्मत नहीं है। हाँ, एक माई आई मेरे पास, बोले कि एक ने बोला, महाराज ये हमारी सहेली है, अपने पति को उंगलियों पे नचाती है। किस पे? उंगली पे। तो हमने कहा कि तुम्हारी उंगली टूट नहीं गई, तुम्हारा पति कम से कम 80 किलो का तो होगा। धन्य हमारे गिरिराज गोवर्धन को उठाए हमारे गिरधारी प्रभु कन्हैया, और उसके बाद तुम ही हो जो अपने पति को उंगली पे नचा रही हो। वो अपने उंगली पे गिरिराज को उठाए, आप अपनी उंगली पे पति को उठा के नचा भी रही हो साथ में। तो अब बड़ी समस्या आई, क्या करे क्या ना करे। भगवान ने कहा, भाई ये तो मुझे चाहिए। इंद्र ने कहा कि क्षमा करना प्रभु, भीतर से बोलो नहीं, पीछे से बोले बोलो नहीं, बोले नहीं दे पाएंगे। अब क्या होगा, अब तो जिद पर आ गई। सत्यभामा बोली कि नहीं, इसको लेके ही रहना है। उधर से सची बोले कि देना ही नहीं है, और दोनों में युद्ध छिड़ गया। जो इंद्र भगवान का इतना सत्कार करता है, जिस इंद्र ने भगवान की महिमा को ब्रज में देखा है गिरिराज की शरण में, वही इंद्र आज भगवान से इस बात के लिए मुकर रहा है कि हम पारिजात नहीं देंगे। धन्य है माया, लड़ाई हो गई, युद्ध हुआ, और इस युद्ध में भगवान ने इंद्र को परास्त करके पारिजात उखाड़ करके अपने गरुड़ पर रखा, और पीछे से गरुड़ को ले करके सत्यभामा के साथ भगवान द्वारिका में पधारे। बोलो द्वारिकाधीश की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अपनी पत्नी का कितना सम्मान, नारियों का कितना सम्मान भगवान ने किया, परिवार का कितना सम्मान भगवान ने किया। भगवान हर एक व्यक्ति का महत्व देते हैं। परिवार में जो भी है सबका अपना महत्व है। परिवार का एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसका कुछ महत्व, जिसकी कुछ भूमिका ना हो। इसलिए हमें सबका ख्याल करना चाहिए। और एक बात याद रखना, कोई अभिमान न करे कि मैं खिलाता हूँ, परिवार का पालन मैं करता हूँ। आप एक निमित्त हो साहब, सब अपने अपने पुण्य को लेकर के आए, अपना अपने प्रारब्ध का खाते हैं। भगवान की आगे की लीला है। प्रभास क्षेत्र में जब
सूर्य ग्रहण लगा है तो वहाँ मेला लगा है, इस मेले में भगवान पधारे और वहाँ सब माताओं से मिले, वहाँ वसुदेव देवकी और नंदराय यशोदा मैया भी आई है, भगवान उनसे भी मिले हैं, श्री राधा रानी से वचन दिया था कि हम मिलेंगे नहीं, राधा रानी आई, राधा रानी से बाकी भगवान ने सब रानियों को मिलवाया। भगवान जब भी सोते रहते तो सपन में राधे राधे करते, तो रुक्मिणी आदि भाइयों को लगता कि हम लोग इतनी सेवा करते हैं लेकिन प्रभु हमारा नाम एक बार भी जवान से उच्चारण नहीं करते, लेकिन ये राधा रानी कैसी है, कैसी उसकी भक्ति है, कैसी निष्ठा है, जो प्रभु सोए रहते तब भी मुख से राधा राधा करते। भगवान उनके मन की बात समझ गए, रात्रि के समय में भगवान को दूध का भोग लेकर आई महारानियां। भगवान ने कहा कि दूध तो हम पियेंगे लेकिन आज मेरी इच्छा है कि यह दूध आप श्री राधा रानी को आप लोग पिला दीजिए, वही सामने वाले शिविर में है, वो प्रभु को मालूम है। तो रुक्मिणी आदि सब महारानियां पटरानियां राधा रानी की महल में, मन में आज उत्सुकता है कि देखे कैसी राधा रानी है, जाती है तो वो लगता है कि ये राधा रानी है, वो कहती नहीं आगे बढ़िए हम तो उनकी मित्र हैं, उनकी दासी हैं। अनेकों द्वारों को पार करने के बाद भीतर में राधा रानी विराजती है उच्च आसन पर, सबने प्रणाम किया है राधा रानी को और प्रेम से दूध पिलाया है और कहती है गोविंद ने भेजा है आपके लिए। राधा रानी तो राधा है, भगवान ने भेजा है तो भगवान का तो प्रसाद है, और प्रसाद में फिर विचार नहीं होता है कि इसका वक्त है कि नहीं है, ठंडा है कि गर्म है, मीठा है कि तीखा है, स्वादिष्ट है कि नहीं है, ताजा है कि बासी है, कुछ विचार नहीं। और राधा रानी ने मुंह लगा करके सारा दूध पी लिया है, भगवान का प्रसाद आया। बातचीत करने के बाद जब सब रानियाँ लौट कर भगवान के पास आई तो क्या देखती है कि भगवान के मुंह में फफोले हो गए। फफोले समझते हो, फोड़ा जल जाना, कंठ जल गया, पूरा छाती में जलन, भगवान रो रहे हैं व्याकुलता से। पूछा है क्या बात है, रुक्मिणी ने पूछा क्या हो गया आपको, कहा कि आपने गरम गरम दूध पिलाया, बहुत ही गरम था। रुक्मिणी बोलती है कि आपने दूध तो पिया नहीं, दूध तो राधा रानी पीती। बोले यही तो मैं कहूं, राधा रानी के हृदय में मेरा निवास है, उसने तो मुझे पिला दिया, तो दूध पीती है राधा रानी और उसके सारे जलन को श्री कृष्ण अनुभव करते। जब यह घटना देखी है तब रुक्मिणी आदि रानियों के भ्रम